नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश में इन दिनों राजीव गांधी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता ग्रामीण स्तर पर चल रही है, जिसका आज बाड़मेर में आगाज हुआ है। और बाड़मेर की बेटियां आप देखिए हर खेल में आगे आ रही है। आप यकीन मानिए कि बाड़मेर के धोरों में रहने वाली, रेतीले रेगिस्तान में रहने वाली बेटियां हॉकी का मैच खेलने के लिए यहां बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम पहुंची हैं। और ये देखिए सारी की सारी बेटियां हाथ में हॉकियां लेकर तैयार है। उनका मैच थोड़ी देर बाद में है और इनके जो शिक्षक है वो भी इनके साथ में है। और मैं सभी बेटियों से, खिलाड़ियों से बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग कैप्टन के पास जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रियंका बेनीवाल। प्रियंका बेनीवाल, कहाँ से? प्रियंका, कौन से गांव की टीम है आपकी? बोला। बोला गांव की है। तो आप बोला गांव जो है वहाँ पर कैसा मैदान है क्या हॉकी खेलने के लिए? मैदान कैसा है, किस प्रकार का मैदान है? मैदान है नहीं, रेत और रेत में। रेत में ही सीख लिए हॉकी? अच्छा, कितने उत्साहित है मैच को लेकर? कब मैच होने वाला है आपका? शाम को 4 बजे। कौन सी टीम से है मुकाबला आपका? चूली। चूली से है। तो क्या लग रहा है, जीत जाएंगे? हाँ। इससे पहले कभी खेले हैं हॉकी? हाँ। तो कहाँ से सीखा गांव की बेटियां हॉकी का खेल, कहाँ से सीखा आप सब लोगों ने? ये हमारे सर है जो मैं सर ने सिखाया। बिल्कुल, आप देखिए। अच्छा, आप देखिए, आपका क्या नाम है? अच्छा, आप भी बोला से है? सारे स्टूडेंट्स है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। तो हॉकी का मैच है थोड़ी देर में शुरू होने वाला, कितने उत्साहित है आप लोग? कितना उत्साह, कितना है खेलने को, कितने तैयार हैं, रेडी है कि हाँ हम लोग खेलेंगे जीत के लिए? अच्छा, आप बताएं आपका क्या नाम बेटा? शांति बेनीवाल। आप कहाँ से हो? बोला से। तो कब से हॉकी खेलते हैं, गांव में खेलते हैं, कब से खेलते आ रहे हैं? 2 महीने हो गए। बिल्कुल, आप देखिए खिलाड़ियों में कितना उत्साह है। सर, सबसे पहले तो हम आपको बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहेंगे, क्योंकि एक गांव में रेतीले धोरों के बीच इस प्रकार की बेटियों को तैयार कर लिया हॉकी के लिए, वाकई में सैल्यूट है आपको। किस प्रकार से बच्चियों को तैयार करते हैं आप? गांव वालों का सहयोग है। प्रिंसिपल महोदय राजकुमार जी, तनुष कुमार जी महोदय हमारे खूब हेल्प कर रहे हैं। गांव में मैदान है नहीं, 30x30 का मैदान है, वो भी पहाड़ है। हर सोमवार के दिन वो पूरी सफाई करके पूरे तख्ता पत्थर गिनने पड़ते हैं, फिर उस पर खेलते हैं। गांव वालों का भी सहयोग है, भमासा है, आगे आ रहे हैं, बच्चियाँ खुद रुचि लेती है। और ये पिछले साल की डिस्ट्रिक्ट विनर थी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट विनर रही है, सब लड़कियां इस तरह पे खेली हुई। अच्छा, बिल्कुल, आप देखिए सारी की सारी बेटियां हैं हाथों में हॉकी लेकर रेडी हैं और अब खेलने के लिए मैदान में जाएगी। अच्छा, आप बताएं क्या नाम है आपका? लीला। कहाँ आप बोला से? तो कितनी बार खेले, कौन कौन कहाँ कहाँ पर खेले पहले, इससे पहले हॉकी आप? इससे पहले तो पहले इंद्रुई में, हाँ, और बाद में राज्य स्तर पर। हाँ, आनंद आता है हॉकी खेलने में, कितना अच्छा लगता है। अभी चूली की टीम से मुकाबला है, कितने तैयार हैं? वो आप अप टू डेट रेडी है। हाँ। अच्छा, एक और सबसे छोटी बालिका यहाँ नजर आ रही है, इससे बात करेंगे। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? दापू। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं। कितनी तैयारी करके आए हैं मैच को लेकर? तैयारी पूरी है, जीत जाएंगे? हाँ। अच्छा, तो सबसे पहले हॉकी के बारे में कब सुना था आपने? एक साल पहले ही नाम सुना था, उसके बाद से तैयारी और आज जीतने के लिए आ गई। वाकई में आप देखिए, यही हौसला, यही जोश और उत्साह हर बेटी में होना चाहिए। और ये बेटियां आप देख सकते हैं हॉकी के मैच के लिए रेडी हैं और थोड़ी देर में इनका चूली से मुकाबला है। अब देखने वाली बात होगी कि इन बेटियों का दावा है कि हम लोग जीत जाएंगे। निश्चित रूप से यही बाड़मेर की बेटियां हैं जो हर खेल में और हर क्षेत्र में आगे आकर अपना, अपने परिवार का, स्कूल का और गाँव का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।